One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn. तो भाई गुड मॉर्निंग, आज है संडे एंड इट्स 5 AM राइट नाउ। प्लान बना है कि आज मेघालय जाएंगे, एक ट्रैक करेंगे जो कि यहाँ से अबाउट 110 किलोमीटर्स है। तो पहले बाइक से जाएंगे स्पॉट तक, सेफली पार्क कर देंगे एंड देन आगे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। विल एंजॉय द व्यूज, एंजॉय द लंच ओवर देयर और शाम तक वापस आ जाएंगे। एंड मेरे साथ 3 बंदे और जाएंगे तो उनसे भी मिलवाऊंगा। तो आज नया ड्रोन भी ले लूंगा, बढ़िया शॉट्स आपको दिखाऊंगा, मजा आने वाला है। तो चलो राइडिंग पैंट राइडिंग जैकेट पहनते हैं, टैंक बैग बाइक पे लोड करते हैं और निकलते हैं। आज मैं लेट हो गया भाई, दोनों वहाँ पहुँच गए। जय बजरंग बली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, ये था अपना मीटअप पॉइंट, थैंक्स फॉर विजिटिंग अगेन। आदित्य ऑन हिज यमहा R3 एंड ज्योतिषमान ऑन इज न्यू मीटियोर। तो मैं और ज्योतिषमान भाई हम जिम में ही मिले थे। भाई अपना स्टेट चैम्पियन है, इज़ अ पावर लिफ्टर। तो फ्यूल अप कर लेता हूँ, वैसे तो फुल ही है बट बाकी दो भाई करा रहे तो मैं भी करा ही लेता हूँ, वरना फिर अन इवेंट टाइम पे रुकना पड़ेगा ना। शिलोंग दिखा रहा है 80 एंड धूप, नोटिस करो आप इस समय कितनी धूप है। अब यहाँ से एज यूजुअल विल टेक अ राइट। और 3 बंदे आने वाले थे जिसमें से एक सोता रह गया, जो तो दूसरा है वो उसके लिए रुक गया। उमियम लेक इज 36। आज वेदर देखो कितना प्लेजेंट है भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और आई विल जिंक्स इट, बट धूप भी ज़्यादा नहीं है एंड ऐसा भी नहीं लग रहा कि बारिश होगा। या तो लैंडस्लाइड भी हुआ है भाई, फ्रेश है एकदम, कल परसों का होगा। और ये यहाँ का ही नहीं, कहीं भी मॉनसून में पहाड़ों में आप जाओ तो एक ये लैंडस्लाइड का खतरा तो रहता ही है। सो टू ऑल माई ब्रदर्स, टू एवरी वन जो भी पहाड़ों में जा रहा है इस सीज़न में, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जितने बार भी ये पैच देखता हूँ ना भाई, कड़क चा है। हाईवे के जस्ट साइड में यहाँ रुके हैं, कड़क चा चाय पियेंगे। ही इज आदित्य, ज्योतिषमान, ज्योतिषमान के बड़े भाई, फ्रेंड फ्रेंड। आदित्य भाई से मैं मिला था एक राइड पे, कोकराझार वाले राइड पे। और ज्योतिषमान तो अपना स्टेट चैंपियन है, पावर लिफ्टर है। यहाँ पे हुआ था, इन तारों पे लगा, रोड पे गिरा, उसके बाद तो आपको पता ही है। जितने बार भी यहाँ से जाऊँगा ना, एक थॉट हमेशा रहेगा कि ऐसे कर लिया होता तो बच जाता, वैसे कर लिया होता आगे जाके रुक गया होता, ड्रोन को बुला लिया होता, मतलब मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ दिमाग में चलने लगता है। And that's how it is.
और ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, कभी भी किसी भी केस में इसका आउटकम ये है तो पहले ऐसे करते तो क्या ये होता या वो होता। आपको भी अगर ऐसा होता है तो ज़रूर बताना यार कमेंट्स में, आई विल नॉट बी द ओनली पर्सन। यहाँ तेज़ धूप और सामने काले बादल, यू नेवर नो भाई मेघालय में कैसा मौसम होगा। चलो भाई अभी यहाँ तक तो मौसम साफ़ है, तगड़ी धूप है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। और क्या बढ़िया लग रहा है यार आज लेक, धूप में एकदम ये शाइन कर रहा है, परफेक्ट वेदर है आज। वाह मैन, और धीरे धीरे ये वाला जो ब्रिज बन रहा था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सो मे बी इन द नेक्स्ट वीक और सो खुल जाएगा तो ट्रैफिक भी कम होगा यहाँ पे। वेलकम टू शिलोंग कैंटनमेंट, लेफ्ट इज़ शिलोंग सिटी एंड राइट इज़ सोहरा। यहाँ से सोहरा यानी चेरापूंजी विल बी समवेयर अराउंड 50, बट जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है उसके पार्किंग तक जाने में हमें लगेगा हार्डली 20 किलोमीटर्स। अभी जो सीधा रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स दी लेफ्ट, ये जाएगा टुवर्ड्स सोहरा चेरापूंजी, एंड हमें जाना है टुवर्ड्स दी राइट बुल्स ट्रैक, यहाँ लिखा है ना, दिस वे। एंड यहाँ से ज़्यादा नहीं, इट्स अबाउट 1.7 किलोमीटर्स। रोड, यहाँ का रोड तो पूरा सही है आई गेस, पार्किंग तक ऐसा ही होगा तो बढ़िया ही है। बुल्स ट्रैक बीटी, यही है शायद बुल्स ट्रैक का पार्किंग, तो यही लग रहा है। वाह नियांगलेंग बुल्स ट्रैक, पहुंच गए पार्किंग पे। ये हमने बाइक्स पार्क कर दी यहाँ पे, अब हेलमेट का सोच रहे हैं क्या करें। यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं इन्होंने तो बढ़िया लॉक करके रखा है, हमारे पास लॉक है नहीं, तो या तो किसी शॉप पे देंगे, वहाँ से कुछ उठा लेंगे पानी वानी वहाँ पे देंगे, या फिर लेके जाना पड़ेगा। भाई बाइक्स देखो कितने सारे हैं, बाइक से ज़्यादा गाड़ी, गाड़ी तो भाई साहब रात संडे भी है, देखो इतनी सारी गाड़ियाँ है भाई, सब लगता है यही आ गए भाई। यहाँ वेदर क्या चेंज हुआ है, मौसम में जो गर्मी अचानक मौसम नीचे पहुँच के सोए जा रहा है। वो देखो लॉर्ड एल तो इसको यहाँ तक कौन आने दिया भाई, पार्किंग तो पीछे था। लॉर्ड है ना, लॉर्ड है, लॉर्ड फॉर अ रीजन। मजाक से हटके भाई, ML05 लोकल गाड़ी है इसलिए आप। पे जाना है, वो जो रिवर दिख रहा है ना हल्का सा, ऐसे क्या ऊपर से दिखाता हूँ।
ट्राई टू टेक बेस्ट शॉट्स, तो ड्रोन शॉट्स कैसे लगेंगे जरूर बताना। एंड DJI मिनी 4 प्रो की क्वालिटी। ऊपर कैसे उठेंगे भाई? करना तो इजी है भाई, मॉनसून में तो और स्लिपरी हो जाएगा ये सब। ABS ऑन, ABS ऑन। ABS नहीं है इसका, मेरा तो है। सब सुंदर है यार, और आज वेदर भी जस्टिस कर रहा है, पूरा क्लियर है ना। पे टेंट जो है वो नाइट स्टे के लिए, आई गेस 800 पर पर्सन। बराबर है लेकिन आज टूरिस्ट ज्यादा है ना, तो मचा ज्यादा सब तो। नीचे चला गया। ये देखो ना, ये लाइन से फिशिंग रॉड से, एक से मैंने पूछा तो उसने बताया इसमें कार्प फिश है, बट आज टूरिस्ट बहुत है ना तो वो चिढ़ गए थे, बोल रहे कि सारी मछली नीचे चली गई, आई नहीं रही। और ये लास्ट पॉइंट यहाँ होता है खत्म, छूके वापस। चलो यहाँ से पहाड़ चढ़ना है ये वाला। तो यही था एक वीकेंड राइड, वीकेंड एस्केप। जगह का नाम है बुल्स ट्रैक। आते समय तो इतना लगा नहीं, अभी हम वापस जाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज अपहिल है पूरा। बाकी ये वाला एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा तो यहीं पर रखता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब, एंड स्पेशली ड्रोन शॉट्स कैसे लगे बताना। अब नेक्स्ट वीकेंड कहीं दूसरा प्लान करेंगे है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय। ये एपिसोड अभी कंटिन्यू करेंगे।